नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, इस खास कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं आपके समक्ष बहुत ही जिज्ञासु और बहुत ही कारगर विषय को लेकर। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले माह यानी फरवरी माह के राशिफल की। हम सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी माह, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो अब तक हम जो बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके मिथुन राशि तक के जातकों की बात कर चुके हैं, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए फरवरी माह, जो फरवरी माह है आपके लिए सेहत और संबंध दोनों का बहुत ज़्यादा यानी ख्याल, बहुत ज़्यादा खूब ख्याल रखने की इस माह आपको ज़रूरत होगी। आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और अपने संबंधों का भी ध्यान रखें। माह की जो शुरुआत होगी यानी माह की शुरुआत में कर्क राशि के लोगों को अपने यानी उनके जो कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ एक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी आपका जो व्यवसायिक क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर कोई ना कोई समस्या से आपकी मुलाकात होने की संभावना है, या ये कहें कोई ना कोई समस्या आपके साथ आएगी। आपके जो सीनियर और जो जूनियर होंगे उनका सहयोग आपको उम्मीद के मुताबिक मिल पाने में थोड़ी सी समस्या रहेगी, या ये कहें कि उतना आपको उनका सहयोग नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपका मन खिन्न रह सकता है, जिसकी वजह से आपके मन में तनाव रह सकता है। चूँकि इस दौरान समय आपके अनुकूल नहीं है, ऐसे में आपको लोगों को मिला जुला कर चलना ही उचित रहेगा, या ये कहें कि लोगों के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हुए मिलते जुलते चलना रहेगा। सेहत की दृष्टि से भी बात करें अगर तो ये समय आपके लिए सेहत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता। इस दौरान किसी तरह की कोई पुरानी बीमारी जो पहले से चल रही है वो बीमारी उभर सकती है, या फिर जो मौसमी समस्याएं होती हैं जैसे मौसमी बुखार आदि है वो आपको हो सकता है, जिसके कारण आपको शारीरिक कष्ट इस माह झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे में शरीर से संबंधित किसी भी समस्या को भूल कर भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही अगर आपकी तो फिर आपको अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, या ये कहें कि वो फिर आपके लिए थोड़ी सी और ज़्यादा दुखद या और ज़्यादा कष्टपूर्ण वो समस्या हो सकती है। इसलिए वक्त रहते ही अगर किसी भी तरह की स्वास्थ्य को लेकर समस्या आती है तो वक्त रहते ही उसको निपटाने का प्रयास करें। माह का जो मध्य होगा उसमें छोटी या लंबी दूरी की किसी तरह की कोई यात्रा होगी। यात्रा के दौरान आपको अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस दौरान वाहन का उपयोग भी होगा, वो पूरी तरह से सावधानी पूर्वक करें। जो व्यापार से जुड़े जो लोग हैं यानी जो व्यापार में इन्वॉल्व हैं उनके लिए माह का जो तीसरा सप्ताह होगा, थर्ड हफ्ता जो वीक होगा, आपके लिए कारोबार में धन लगाते समय आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत होगी, या ये कहें कि संभव हो तो उसमें किसी एक्सपर्ट की सलाह भी लेने में परहेज ना करें, वरना लापरवाही या बिना सोचे समझे धन लगाना आपके लिए उसका नुकसान झेलने पड़ सकता है, इस तरह की समस्या क्रिएट हो सकती है। यदि आपका कोई मसला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो प्रयास करिए उस मामले को आपसी सहमति से कोर्ट के बाहर ही निपटाने का या सुलझाने का प्रयास करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कामकाजी जो महिलाएँ हैं, जो कर्क राशि की हैं और कामकाजी महिलाएं हैं, उनको अपना कार्य क्षेत्र में और घर में यानी घर और कार्य क्षेत्र में तालमेल बिठाने में कुछ मुश्किलें या परेशानियां आ सकती हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से इस माह आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, यानी प्रेम संबंधों में भी आपको सावधानी के साथ एक एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत होगी। इस संबंध में कोई भी फैसला अगर आपका जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर होता है तो वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यानी पूरा प्रयास करिए किसी भी फैसले को ना जल्दबाजी में लें और ना भावनाओं में बहकर लें, इन दोनों ही चीज़ों से आपको बचना हितकर होगा। जीवन साथी की सेहत को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं इस माह आपको रह सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए फरवरी माह मिला जुला रहेगा,
भले कहने के लिए तो ये भी कह सकते हैं कि मिला जुला भी नहीं, उससे भी निम्न रहने वाला है। यानी बहुत सारी समस्याएं कार्य क्षेत्र में हैं, स्वास्थ्य को लेकर हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर हैं, धन में भी सोच समझ कर अगर नहीं लगाते हैं तो वहाँ भी हैं, कोर्ट कचहरी का कोई मसला है तो वहाँ भी कुछ न कुछ समस्या है। तो कुल मिलाकर ये माह फरवरी माह आपको बहुत ही सावधानी से व्यतीत करने की ज़रूरत होगी, या हर पल पल हर पग पर सावधानी के साथ आपको कदम बढ़ाना होगा। चलिए बात की हमने कर्क राशि की, उनके लिए कैसा है फरवरी माह। आगे हम बात करेंगे अन्य राशियों की, यानी सिंह राशि से लेके मीन राशि के जातकों के लिए भी क्या विशेष है फरवरी माह में। एक बात और दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें और समय रहते आपके पास ये जानकारी पहुंच सके। जानकारियां अच्छी लगती हैं तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। एक बात और, हम प्रत्येक दिन सुबह 7:30 बजे सेम डे उसी दिन का राशिफल, पंचांग, राहुकाल आदि ये सब लेकर उपस्थित होते हैं, जिसमें हम आपके द्वारा अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब भी हम देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते रहिए और दूसरों के साथ शेयर भी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।